अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा हुसैन और आज आप लोग देख रहे हैं हमजा हुसैन व्लॉग्स। तो यार आज भी यूनिवर्सिटी जाना पड़ा है और आज तो सुबह सुबह उठ के जाना पड़ा है 7 बजे। तो यार मेरी रिक्वेस्ट थी कि यार भाई वीडियो एंड तक दिखा करो यार, एंड तक क्या हो गया है, वॉच टाइम कम्प्लीट करना है साल के एंड तक। तो अच्छा मेरा ना एक सवाल है आप लोगों से, वो ये है कि बताओ वो कौन सा परिंदा है जो सबसे तेज़ उड़ता है। इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली वीडियो में इसका जवाब बताऊंगा, ठीक। जिसका जवाब सही होगा ना उसको मेरी तरह से एक टॉफ़ी, जाओ ऐश करो, तो बताना ज़रूर। तो ये भाईजान हम लोग आ गए अपनी यूनिवर्सिटी, वैने शैने आ रही हैं बच्चों को लेके ना, चलो हम लोग भी अंदर चलते हैं। अभी सुबह का टाइम है ना तो इतनी आवाम नहीं निकली बाहर, धूप भी निकली, कल बारिश हो रही थी और आज देखो मौसम गर्म है बिल्कुल ही। चलो कोई नहीं, ये निकला ना आवाम का रश, छुपी हुई थी, जब तक क्लासेस होते रहते हैं सारे अंदर रहते हैं, जब क्लास खत्म होती है फ़ौरन बाहर आ जाते हैं, अब रश ही रश हो गया। तो यार ये हम लोग ना क्लास लेके फ्री हो गए हैं, तो अब हमारा ना सीन बन गया कि ना हम लोग नाश्ता कर लें। जी ब्रदर, आज काफी देर के बाद नाश्ता करवाने लगे हैं, तो लेट्स सी कि क्या करवाते हैं, बाहर तो जा रहे हैं इनके साथ ही। चलो यार, और ये वाले भाई भी हैं जो जिनको मैं नाश्ता करवा रहा हूँ, डीजल वाले पराठे खवा रहे हैं, डीजल वाले पराठे। इन्हें एक गिलास लगवाया और ये चार लोग पीने वाले हैं। चलो शुक्र इनकी लड़ाई खत्म हो गई, दो अलग अलग लगवा लिया। अब हम लोग आ गए अपने पराठे वाली लोकेशन पे, भाई यहीं की बेस्ट है, जो भी है ना नाश्ता यहीं का बेस्ट है भाई। तो ये हम गरीबों का नाश्ता आ गए हैं भाई, ये देखो पराठे लगे हुए हमारे। तो यार काफ़ी देर हो गई, मैंने ना आपको अपने एक दोस्त से नहीं मिलवाया था, तो वो कह रहा था कि अगर मैं आऊँगा नहीं ना तो ब्लॉग देखूँगा मैं नहीं, तो ये मेरा दोस्त नहीं है, तो मैं इस्लाम वालेकुम कहना चाहूँगा। तो यार ये हम लोग आ गए यूनिवर्सिटी के मरी वाले रोड पे, यहाँ पर ना कुछ भी नहीं, बस वैसे ही बैठ के देखते रहो, क्योंकि यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम से सबको ब्रेक भी होती है। और ऊपर से यार मेरा आज 3:30 बजे जाके लेक्चर है और मैं तब से वेला घूम रहा हूँ। ये ना हमारी यूनिवर्सिटी का छोटा सा गार्डन है, मतलब इसको कह लो कि ग्राउंड ही है, ठीक है। एक यहाँ ग्राउंड है, एक वो ऊपर ग्राउंड है और एक जो है ना पीछे करके ग्राउंड है। तो यार ये हमारा ना आज का दिन ख़त्म हो गया, ये हमारे बॉयज़ हैं, ये फैजान ब्रदर हैं और ये इब्राहिम है। तो इंशाल्लाह यार आप सब लोगों से शिकायत है मुझे कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते इसको, और एंड तक देखा कितने दिन हो गए हैं, 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे इसके, मैं बड़ा नाराज़ हूँ आपसे, सब्सक्राइब करें जल्दी। नहीं सब्सक्राइबर नोट कर रहा है। तो यार अब मैं घर जाने लगा हूँ, घर जाके मिलते हैं। मैं अभी भी यूनिवर्सिटी से घर आया हूँ और उनका बाचर भी ख़त्म हो गया, तो वो भी साथ ले आया हूँ। तो ना मैं दाल तो बेचारे थे सुबह से भूखे होंगे, 6 बजे तो आज मैं आया हूँ, उनको पता लग गया मैं आ गया हूँ ना, देखा पिंजरे के आगे आगे आ गया, आगे 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 आगे, देता हूँ खाना। बेचारों को बड़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि ना ये इनका बाजरा कल रात को ख़त्म हो गया था और सुबह से लेके अब तक मतलब भूखे थे। तो ये हमारा खाना लग चुका है एंड आई ऑलवेज प्रेफर पेप्सी, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज का हमारा दिन बहुत बहुत बोरिंग और बिजी और लंबा था, खैर कोई नहीं, अब इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।